लॉकडाउन में कुछ छूट मिलने पर उसका गलत फायदा ना उठाए। खतरा अभी आपके सर से टला नहीं दोस्तों। जब कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन कर हम आने वाले बड़े खतरे को टाल सकते हैं, तो फिर इतनी सारी मिस्टेक क्यों? अमेरिका में 73,145, स्पेन में 25,857, इटली में 29,684, इंग्लैंड में 30,076, फ्रांस में 25,331 मौतें। सोचने वाली बात तो है। सुधाकर से फोन लगाकर पूछता हूँ कि रतलाम में क्या हो रहा है। वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। अरे प्रभाकर भैया, हेलो। हाँ प्रभाकर भैया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही अखबार पढ़ रहा था। इसमें कोरोना से मरने वालों के जब आंकड़े देखे, देखकर दंग रह गया। सोचा सुधाकर से पूछता हूँ फोन लगाकर, रतलाम के क्या हाल है? हाँ, अभी रतलाम प्रशासन के द्वारा कुछ समय पहले लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की छूट दी गई थी। जी हाँ, लेकिन भाई साहब, लोग ऐसे उस दुकानों पर जाकर खड़े हुए हैं, ऐसी भीड़ लगाई है जैसे दीपावली की खरीदारी हो। हाँ बस यही हाल हमारे यहाँ पर भी है। कुछ लोग जरूरी काम का बहाना बनाकर एक के साथ एक निकल पड़ते हैं माहौल देखने के लिए। ना मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर का तो उपयोग ही नहीं करते हैं। अरे भाई साहब, पर किसको किसको समझाएगा शासन? हमें खुद समझना है, संक्रमण से हमें बचना है ना। और सुनाइए भैया, आपके क्या हालचाल है? बस प्रभु की कृपा है। और सुनाओ, तुम्हारे कभी डंडे वंडे तो नहीं पड़े? नहीं नहीं भैया, नहीं, हमें तो डंडे वंडे नहीं पड़े, हम तो बिना डंडे पड़े ही अकड़ चुके हैं भैया। हाँ बस भैया, एक ही काम है, सुबह उठो खाना खाओ फिर सो जाओ, फिर शाम को उठो खाना खाओ फिर सो जाओ, सुबह शाम का यही रूटीन हो गया है। अब शरीर अकड़ेगा नहीं तो क्या होगा भैया? देख, देख, मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। बेटा मास्क तो लगा जा। ओ कम ऑन डैड, ये नहीं सुधरने वाला। We'll be right back.
बेटा हाथ तो धो लो। क्या डैड? देखा कितनी बार बोला मैंने तुम्हें पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। क्या डैड, आप भी मुझे बार बार टोकते रहते हैं। सांस की प्रॉब्लम से हो रहा है। तूने पहले मेरी बात मान ली होती तो आज तेरी ये हालत नहीं होती राहुल। हे भगवान, अब मेरे बेटे का क्या होगा? उसके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अब तू ही कुछ कर भगवान, अब तू ही बचा ले उसे। बेटा राहुल, कितनी बार बोला मेरे तुझे पर तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। चल बेटा, अब भी समय है, चल अपना चेकअप करवा ले। नहीं डैड, मेरा अंतिम समय आ चुका है डैड। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, मेरे बुढ़ापे का एक आखिरी सहारा तू ही तो है। राहुल, राहुल, राहुल बेटा, बेटा राहुल, राहुल। कितनी बार तुम्हें समझाया कि मेरी बात मान लो पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी राहुल। राहुल राहुल और राहुल के पिताजी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। उपचार के पश्चात राहुल के पिताजी स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए। राहुल के पिताजी के पास सब कुछ था, नहीं था तो अपना लाडला बेटा राहुल। यहाँ गौरतलब है कि राहुल ने एक नहीं कई गलतियां की। पहली गलती, अपने पिताजी की बात न मानकर मास्क नहीं लगाया। दूसरी गलती, घर से बाहर निकला। तीसरी गलती, सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं रहा। चौथी गलती, अनजाने में अपने ऐसे मित्र से संपर्क में आया जो पहले से ही संक्रमित था। पांचवी गलती, अपने पिता के कहने पर हाथ नहीं धोए। छठी गलती, बार बार कहने पर भी चेकअप नहीं करवाया।
आप ऐसा कतई ना करें। आपके पीछे एक नहीं कई जन है, आपका पूरा परिवार है। शादी समारोह या शव यात्रा में जाते समय अपने मुंह पर मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग में रहे। पार्टी समारोह आदि में जाने से बचे। संभवतः हो तो यात्रा टाल दे, जरूरी होने पर ही यात्रा करे। सार्वजनिक स्थान या कहीं पर भी रखे, लावारिस वस्तु, बैग और पैसों इत्यादि को न छुए। कोरोना से जुड़ी किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अपने अपने राज्य की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। अपनी बीमारी को न छुपाए, सही समय पर डॉक्टर को दिखाए और अपनी जांच करवाए। गरीब और जरूरतमंदों की मदद करें। घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों को बाहर ना निकलने दें। जितने भी कोरोना फाइटर्स हैं सभी का सम्मान करें और इनका दिल से सहयोग करें। कोई भी रोड पर ना निकले और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को घर बैठे ऑर्डर करके मंगवाए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे एट होम। और हाँ, मेरी एक बात जरूर याद रखिए, खतरा अभी आपके सर से टला नहीं। लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें।